अज्ञात लेखक निकिता फिलोसॉफी में पीएचडी कर रही थी। उसे किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो किताबों और कहानियों में ही अपनी दुनिया ढूंढती थी। निकिता जब ग्रेजुएशन में थी तो उसने एक किताब पढ़ी थी, वर्ड्स नॉट सेड। तब से ही उसे उस राइटर से एक अटैचमेंट सी हो गई थी। उसने राइटर का नाम पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से कहती है, कितने दिन हो गए, आज तक मैं उस राइटर के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। आज तक तू वहीं अटकी पड़ी है, किताबों की दुनिया को वहीं तक छोड़ दे बहन, कुछ नहीं रखा उसमें। फिर तो तुझे कुछ पता ही नहीं, उनकी हर ईयर एक बुक आती ही है जिसकी सिर्फ 20 कॉपीज ही बनती है और मैं सारी कॉपीज खरीद लेती हूँ। चल तुझे दिखाती हूँ। निकिता प्रिया को स्टोर रूम में लेकर जाती है। रूम बिल्कुल ठंडा। प्रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। कमरे में चारों तरफ गुफ अंधेरा। अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर निकिता फोन को चारों तरफ घुमाती है। हर तरफ बस उस अज्ञात राइटर की ही किताबें थी। सारी बुक्स को यहाँ छिपा कर रखती हूँ मैं, मेरे अलावा यहाँ कोई भी आता नहीं, इसलिए इस बात की घर पर किसी को भनक तक नहीं है। ऐसा क्या होता है उनकी किताबों में कि तू इतनी दीवानी हो गई है उस राइटर की। निकिता वहीं अपने पास के सेफ से एक बुक उठाती है। उसकी धूल झटकती हुई उसका पहला पन्ना पढ़ना शुरू करती है। ठंडे बंद कमरे में टॉर्च की एक सीधी रोशनी के उजाले में वो दोनों मेरे लिखे किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ओह, क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो निकिता। रुक तो, मैं देखती हूँ। निकिता हर तरफ लाइट दिखाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। देख तो, कहाँ कोई है यहाँ? छोड़, तू कहानी सुन। फिर उसे लगता है मानो एक भारी सा हाथ उसके सर को सहलाता है। क्या फालतू किताब है, बंद कर इसे, मैं घर जा रही हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू ऐसे अचानक बाहर क्यों आ गई? अरे कैसी किताब है यार प्रिया, तू जो कुछ भी पढ़ रही थी सब वैसा ही हो रहा था। अब समझ में आया तू खोई खोई सी क्यों रहने लगी है। एक मिनट, क्या वो राइटर मुझे भी जानता है? मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है उसमें? दे मुझे वो किताब दे, मैं घर जा रही हूँ, वहीं पढ़ूंगी। मुझे जानना है कि फिर मेरे साथ क्या होगा। निकिता के लाख मना करने के बाद भी प्रिया एक बुक लेकर चली जाती है और उसी दिन से उसका नंबर ऑफ आने लगता है। अगली सुबह निकिता को अपने घर के गेट पर ही वही बुक एक एनवलॉप में रैप्ड मिलता है। एक हफ्ते तक प्रिया की कोई खबर नहीं मिलती। निकिता किताब का पन्ना पलटती है जहां प्रिया के गायब होने के बाद टू बी कंटिन्यूड लिखा था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर सकती, प्रिया मेरे कारण ही गुमशुदा हुई है, पर मैं क्या करूं? निकिता एनवलॉप में आए बुक को खोलती है जिसमें एक एड्रेस होता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम गूगल पर भी मौजूद नहीं था। पर निकिता बस पकड़कर निकल पड़ती है। पालनखेत, पालनखेत। ये तो वही जगह है। मंजिल ने राही को ढूंढ ही लिया। निकिता जैसे ही बस से उतरती है बस गायब हो जाती है। लगता है ये बस मुझे यहाँ लाने के लिए ही आई थी। निकिता रोड से जंगल की ओर बढ़ती है। अंदर चलते हुए उसे एक खंडर दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। अंदर उसे एक लड़का डायरी लिखते हुए दिखता है। अरे आ गई आप, आइए आइए। आप ही है वो राइटर, मुझे बताइए कहाँ है प्रिया? वहां देखो। निकिता देखती है कि दीवार पर प्रिया की तस्वीर लगी हुई है जिस पर हार चढ़ा हुआ है। प्रिया की फोटो के साथ वहां कई और लोगों की तस्वीरें भी थी। ये सब क्या है? मेरी कलम श्रापित है, मैं ना भी चाहूं तो भी ये चलेगी। जिस किसी का जिक्र ये करती है उसे मार कर ही दम लेती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 16 साल का था। एक नदी के किनारे मुझे ये पेन मिली, मैं इसे अपने कबड़ में रख कर भूल गया। फिर एक दिन अचानक कबाड़ से लाल रोशनी आई,
मैंने उसे खोला तो पैंक चमक रही थी और इसने लिखी मौत की दास्तां। मेरा सब कुछ इसने छीन लिया, सब कुछ। मैंने उसे खत्म करना चाहा, पर नाकाम रहा। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने लगा, पर ये तब भी नहीं रुकी। तो इसे रोकेगा कौन? तुम नहीं मरी, बाकी जिस किसी का भी इसने जिक्र किया उसको इसने निगल लिया। तुमने मेरी सारी बुक्स पढ़ी, उसे संभाल के रखा, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ही वो मसीहा हो निकिता, मुझे बचा लो और इस खेल को रोक दो निकिता। निकिता पेन उठाती है, उसके पेन को पकड़ते ही एक औरत उड़ती हुई आती है और पीछे से उसे लिपट जाती है। उसके शरीर से खून बहे जा रहा था, खुले बाल, झुर्रियों से भरा उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। मेरी गोद में बैठो निकिता, आओ ना। नहीं, बहकना मत निकिता, यही है पेन की मालकिन, रूहे खाती है ये, इसकी बात मत सुनो निकिता। लिखो निकिता, फिर वो लड़की खुद को मार देती है। निकिता पेन उठाती है और लिखती है। करण उछलकर दूर गिर जाता है। आंधी तूफान चलने लग जाते हैं, दीवार पर टंगी सभी तस्वीर नीचे गिर जाती है। जिस चेयर पर बैठकर निकिता लिख रही थी वो उड़कर दीवार से टकरा जाती है। मैं जिंदा हूँ निकिता, तुमने ऐसा क्या लिखा था? और कालिंदी की आत्मा पेन के साथ ही खत्म हो गई। ये लिखकर मैंने पेन की नींव तोड़ दी थी। दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और हवेली गायब हो जाती है।